लेन देन के ऊपर हिसाब साहब मैंने इनके पास कमेटी डाल रखी थी। देखिए मैंने अपनी बहन की शादी में लोन लिया था बैंक से। बैंक से लोन लेने के बाद में मैंने जैसे तैसे करके पाठक जी को पैसा दिया। मैंने बहन की शादी भी की, उसके बाद में जैसे काम करता रहा, यहाँ काम करने के बाद में मैं बैंक की किस्त पूरी नहीं कर पाया। और जैसे मैं बैंक की किस्त पूरी नहीं कर पाया तो बैंक ने मेरी आरसी काट दी, पंजाब नेशनल बैंक के राणा ने। अब जब उसने आरसी काट दी, आरसी काटने के बाद में मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी मेरी आरसी कट चुकी है और मेरा 5 महीने का टाइम है। अब वो महाराज जी महाराज जी ने बोला 5 महीना बहुत है, हो जाएगा तेरा काम, ठीक कोई बात नहीं, चलते देना। उसके बाद में अब जब रह गया एक महीना, अभी कुछ दिन पहले महाराज जी के साथ मुझे थानागर में झगड़ा हुआ था, तो उसी के प्रति रात बात चल रही थी। अब जैसे रात बात चल रही थी महाराज जी के समक्ष, और मैंने उसी बीच में कहा, मगर महाराज जी मेरा 1 महीना पूरा होने वाला है, मैं मुझे जेल होगी क्योंकि मेरी आरसी कटी है, 5 महीने का टाइम है, मुझे मेरा पेमेंट दे दो। तो महाराज जी ने फिर गाड़ी क्लोज करते ले तो सब ऐसे ही हो, ये है वो है, 20 बार बताई मुझे, 3 लगाई। 3 लगाने के बाद में फिर अकेले में जाके कहने लगा, हाँ चल दे दूंगा पैसे दे दूंगा। और बोलने लगे फिर, और ये कल चली जाए किसी ने घर और अपनी वाइफ को ले आना फिर, ठीक है ना, और दे दूंगा जब पैसे तुझे। उसके बाद में फिर मुझे बहुत बुरा लगा जब 2-3 बार उन्होंने यही बातें की, बहुत बुरा लगा। हालांकि मैं वहीं लेटा रहा, फिर करीबन 3 बजे के बाद फिर मेरे हाथों का और मेरे शरीर का मुझे ये नहीं पता लगा मैंने किया क्या और मैंने किया। कल यानी 10 दिसंबर की शाम को लगभग 4 बजे पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि पंजाबी कॉलोनी में एक घर में परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गई है। टीम की बॉडी वहाँ मौके पर मिली, सूचना पाके तत्काल थाने पुलिस जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर पहुँचे। हमारी फील्ड उनको भी वहाँ बुला लिया गया, डॉक्टर साहब को भी बुला लिया गया, जितने भी फॉरेंसिक एविडेंसेज वहाँ से लेके जा सकते थे, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई वहाँ पर की गई। और इसका संज्ञान आया कि उसी परिवार का एक 11 वर्षीय जो बच्चा है वो मिसिंग है इसमें, और उसी घर की एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी है जो वहाँ पे नहीं पाई गई है, तथा जो बीच का वहाँ पड़े हैं उन मृतकों के मोबाइल फ़ोन भी उनके पास नहीं है। तत्काल इसमें टीमों का गठन किया गया, 4 डेडिकेटेड टीमें इसमें लगाई गई। एक टीम लगातार जितने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस है वो खंगाल रही थी, दूसरी टीम जितने भी हमारे टोल प्लाजा या आगे आसपास के जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस उन्होंने देखना शुरू किया, तथा जनपद की जो सर्विलांस टीम है और स्वॉट टीम है वो भी बिल्कुल डेडिकेटेड रूप से इसमें लगी। प्रथम प्रयासों से लगभग शाम को हम जीरोइंग कर सके कि ये कौन है दूध। संबंध में हिमांशु सैनी नाम के एक दूध की गिरफ्तारी हुई है, इसने इस पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकारा है, तथा उसके पास से जो तीनों मृतक हैं जो डिसीज्ड हैं उनके तीनों मोबाइल फ़ोन जो वहाँ से मौके से गायब हुए थे उसके पास से बरामद कर लिए गए हैं, तथा जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी है वो पानीपत टोल के आगे उसने उस गाड़ी में आग लगा दिया था, वो गाड़ी भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। उस गाड़ी के डिक्की में ही उस 11 वर्षीय बच्चे का शव था जिसको उसी रात को उसने हत्या कर दी थी, उसको डिस्पोज ऑफ करने ले जा रहा था, उसकी बॉडी भी बरामद कर ली गई है। जो घटना में उसने आला कतल का इस्तेमाल किया है, एक तलवार है और एक छुरा है, वो भी उससे बरामद कर लिया गया है, तथा घटना के वक्त जो उसने कपड़े पहने थे, खून लगे थे, वो भी उसके पास से बरामद कर लिया गया। सर, एक अकेले युवक ने 4 हत्या कर दिया, इसमें और भी कोई उसके साथ था? देखिए अभी तक की जाँच में यही सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख कर और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, ये अकेला मुलजिम इस पूरे हत्याकांड का जो है ये इसमें मुलजिम है। बाकी सीसीटीवी फुटेज इनके गेट के जस्ट सामने भी लगा है जो मृतक है उनके घर के, उसमें भी अकेला ही जाते हुए वहाँ से दिख रहा है गाड़ी को लेके। जो वहाँ आसपास चश्मदीद थे इसके घर के पास मृतक के, उन्होंने भी यही बताया कि अकेला व्यक्ति यहाँ से गया था, और बाकी जो सीसीटीवी फुटेज मौके से हमने कई जगहों से कलेक्ट किए हैं उसमें भी अकेला ही आ रहा है। संभवतः यही अभी तक हमारा मेन ऑब्जेक्ट है।